मैं कैनेडी अतुल कुमार, सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता की यूनिट से हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से बीएससी फिजिक्स किया। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, इसलिए मैं अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख पाया। अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए एवं अपने परिवार को आर्थिक मजबूती देने के लिए मैंने सेना को ज्वाइन किया। जिसमें मेरे को रेजिमेंट का काफ़ी प्रोत्साहन मिला, जिसे मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा एवं अपनी बीएससी फिजिक्स डिग्री को पूरा किया। कैनेडियन रेजिमेंट के प्रोत्साहन से मैंने अपने शिक्षा के अवसरों की तलाश जारी रखी, जिससे मैंने गूगल पे चल के अपने यूनिवर्सिटी की सर्च किया, जिससे मेरे को अपने कोर्स में मेरी शैक्षणिक योग्यता के बराबर मेरे को कोर्स का मिला, जिससे मैंने उसमें अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद मैंने जिसमें यूनिवर्सिटी का स्काइप इंटरव्यू पास किया एवं SOP और अदर सबमिशन के कारण इसके बाद मेरा एडमिशन एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद अब मेरा एडमिशन वहाँ पे जारी हो गया है। ये कोर्स इटालियन यूनिवर्सिटी में पार्टिकल एवं एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसका पूरा ड्यूरेशन 4 से 5 साल का है और इसमें आने वाला खर्चा लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया है, जिसका मैं खर्चा पूरे अपनी सेना में की हुई सेविंग से पूरा करूँगा। कैनेडियन अतुल कुमार ने बहुत ही होनहार और ईमानदारी से काम करता था। इसको काम को देखते हुए उसको और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया गया, जिसकी वजह से ये इस मुकाम के ऊपर पहुंचे। When we came to know about Atul's selection into this program where he's going to Italy, my first reaction was of joy and satisfaction. It is our duty to spot the talent, nurture the talent and give them all support in any field that they wish to, so that they can enhance their image and their regiment's image in the country. This is the first such incident or first such person who has been selected to go abroad to study, especially PhD, in my information. I'm sure with this selection, many more people will be getting inspired for higher studies and also displaying their talent in various other fields. It is a matter of pride for the regiment and for the Indian Army that Atul is now going for his PhD in Italy. It will be our endeavor to provide him all the assistance, whatever is required to ensure his success in future. सेना एवं कैनेडियन रेजिमेंट की प्रोत्साहन से आज मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया हूँ। इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद भी मैं देश की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा एवं DRDO एवं ISRO जैसे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करूँगा। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली।